नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुआ बड़ा हादसा। पानीवा इलाके में सिंधु नदी में गिरी वैन, 17 लोगों की गई जान, दर्जनों हैं लापता। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार वैक्सीन की खुराक का राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्र की आबादी, संक्रमण के आंकड़े और वैक्सीनेशन के आंकड़ों को देखते हुए किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोविड से माता पिता को खोने वाले बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई का पूरा व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार करे। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा भाजपा के शासन में ऑक्सीजन व मानवता दोनों की भारी कमी है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि देश में स्वास्थ्य को दिया जाए मौलिक अधिकार का दर्जा, मजबूत होगा स्वास्थ्य सेवा का पूरा तंत्र। कोविड 19 के उपचार के लिए CSIR इंडिया और लक्साई लाइफ साइंसेज ने निक्लोसाइमाइड दवा की क्लिनिकल ट्रायल शुरू की। भारत हुआ चौकस, पूर्वी लद्दाख की आसमान में करीब 2 दर्जन चीनी फाइटर जेट कर रहे हैं अभ्यास। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और डिप्टी CM अजीत पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मराठा आरक्षण और यास चक्रवात से हुए नुकसान का पक्ष रखा। नेताजी के परपोते चंद्र बोस ने किया खुलासा, कहा नेताजी ने आजाद भारत के विकास के लिए 100 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। पंजाब के हैरिक बैराज से छोड़ा गया गंदा और केमिकल युक्त पानी, राजस्थान के 8 जिलों में गंदा और केमिकल युक्त पानी से बढ़ी समस्याएं। कोरोना वैक्सीन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया यूटर्न, कहा भारत सरकार का टीका हम भी लगवाएंगे। उत्तर प्रदेश में थमा कोरोना का रफ्तार, पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.2% आई। जागरण समूह के सर्वधर्म प्रार्थना सभा को राज्यपाल आनंदी बेन ने सराहा, लोगों से की श्रद्धांजलि देने की अपील। बिहार के जमुई में लोजपा सुप्रीमो सांसद चिराग पासवान को ढूंढने के लिए जनशक्ति विकास पार्टी ने पोस्टर लगाया। बिहार के CM नीतीश कुमार ने किया ऐलान, बिहार में लॉकडाउन हुआ खत्म, शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। टंकी में पानी भरते ही धाराशाही हो गया बिहार के CM का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना, गया के वीडियो ने दर्ज कराई प्राथमिकी। PM मोदी को अरविंद केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी, कहा दिल्ली में लागू करने दीजिए घर घर राशन योजना। गौतम गंभीर ने कहा टीकाकरण पर ना करें राजनीति, काम करने की इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। पंचकुला को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा, हरियाणा के CM ने PMDA बनाने का किया ऐलान। उत्तराखंड के CM तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात कर उत्तराखंड के स्टेट लैंड मॉडल के अंतर्गत स्वीकृत भारत नेट फेज 2 परियोजना के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देने का अनुरोध किया। झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं परीक्षाओं की चल रही CBI जांच, 2 लेक्चरर हो चुके हैं गिरफ्तार। कोरबा में नाराज भू विस्थापितों ने अपने परिवार के साथ खादान में घुसकर रोका कोयला उत्पादन, भू विस्थापितों की खादान के अंदर जारी किए जाने वाले ठेका में 20% आरक्षण, परियोजना एवं एरिया स्तर पर पुनर्वास समिति का गठन समेत कई अन्य मांगे हैं। MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को फसल का उचित दाम दिलाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। मध्य प्रदेश में इंफोटेरिसिम B के इस्तेमाल पर अस्पताल ने लगाए रोक। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रधानमंत्री का देशवासियों के नाम संबोधन और सफलता पर पर्दा डालना है। जर्मनी से 9 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जम्मू कश्मीर पहुंचा, राज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। विदेश जाने वाले युवाओं को कोवैक्सीन की जगह लगाई जाएगी कोविशील्ड, भुवनेश्वर महानगर निगम ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र बम्बई हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। नवनीत राणा पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाए थे, अब नवनीत के संसद सदस्यता पर भी तलवार लटक गई है।
रेलवे को भारी पड़ा एक फैसला। भागलपुर स्पेशल ट्रेन को रतलाम से खाली ला रहे रेलवे को 3 ट्रिप में 3 करोड़ का हुआ नुकसान। IBPS ने RRB ऑफिसर्स और ऑफिस असिस्टेंट के पद पर निकाली है भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट IBPS.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। श्रीलंका के खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर जाने को है तैयार, नहीं साइन किया है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन आइडल को सबसे पहले होस्ट करने वाली मिनी माथुर बोली, मैंने उसे पैदा किया, बड़ा किया और उड़ने के लिए छोड़ दिया है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।